पिछले वीडियो में आपने देखा कि सुबह की सफारी के लिए हम दुधवा के सठियाना जोन में गए और लंच करने के लिए नेपाल बॉर्डर की तरफ। दोपहर की सफारी के लिए हम मेन दुधवा में जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शाम की सफारी शुरू करते हैं दुधवा के मेन कैंपस से। कैंपस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कैंटीन, म्यूज़ियम और अलग अलग स्टे ऑप्शंस, ये आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। हालांकि एक बात का ध्यान रहे कि प्राइसेस हर साल एक जैसे नहीं रहते। गेट पार करके पार्क में एंटर होते ही आप सीधा पहुंच जाते हैं दुधवा के सुंदर और विशाल जंगलों में। साल के ऊंचे ऊंचे पेड़, घने जंगल और जंगलों से छनके आती हुई धूप किसी भी प्रकृति प्रेमी को ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि क्यों मेरे जैसे कई लोगों के लिए दुधवा उनका पसंदीदा जंगल है। वेल हेलो फ्रेंड्स, सो दुधवा की सफारी यानी कि आफ्टरनून सफारी भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड ऐसा हुलिया देख के आपको लग रहा होगा कि मैं लद्दाख या कश्मीर में हूँ, बट नहीं। लेकिन यहाँ पे बिलीव मी, धूप होती है तो यू फील गुड। दिसंबर का महीना, इट्स 24 दिसंबर टुडे, बट व्हेन वी आर इन शेड इट्स यू नो ड्रास्टिक चेंज ऑफ एटलीस्ट 10 डिग्रीज, सो ठंड भयानक है। एनीवे ये सब तो चलता रहेगा। फिलहाल साइटिंग्स का अपडेट, जस्ट एंटर ही हुए हैं और चेक कर रहे हैं। नाउ वी आर एट बांके ताल, सो लेट मी शो यू दैट। पीछे पीछे तो आ रहे हैं आपके? नहीं नहीं, ठीक है। सो ये है बांके ताल और पीछे जो टावर था वो था बांके ताल का टावर नंबर 1, विच इज़ अ कॉन्क्रीट टावर, और उसके पास में ही टावर नंबर 2 है। पूरा ये एक मार्श लैंड है जिसको बांके ताल बोला जाता है। एंड वो जो ट्री लाइन आप देख रहे हैं वहीं पे है जो दुधवा की रेलवे लाइन, और कई बार आपको यहाँ से भी ट्रेन गुजरती हुई दिख जाती है। एंड ये देखिए, इवन इन विंटर्स द मॉइस्चर इज़ सो मच दैट पिट्स क्रिएट हो गए रोड में। ये भी एक छोटा सा वाटर बॉडी है, कई बार यहाँ पे हाथी देख चुका हूँ मैं। तो अभी हमने यहाँ पे ऑटर देखे, सो आई हैव अ फोटो विच आई विल शेयर। ठीक है, चलो। सो राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन अ प्लेस कॉल्ड रिंग रोड, बिकॉज वहाँ पे सुबह टाइग्रेस का मूवमेंट था अच्छा खासा, एंड वी डोंट वॉन्ट टू मिस दैट। सो एटलीस्ट वी हैव टू स्टडी कि पग मार्क्स हैं अभी भी फ्रेश कि नहीं, कब टाइगर का मूवमेंट हुआ है, चांसेस हैं दोबारा देखने के कि नहीं। सो वो सब एसेस करने हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। सो इट्स बीन ऑलमोस्ट एन आवर सफारी को, और अभी एक लीड मिली है दैट वी कैन सी एलिफेंट्स, बट जहाँ पे वो हैं एलिफेंट्स वो थोड़ा सा पतला रास्ता है, सो दे वॉन्ट बी मच चांस टू रिवर्स इन केस ऑफ अ चार्ज। सो थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम लोग जा रहे हैं, और 2-3 जिप्सी वालों ने भी बताया कि उनकी पोजिशन भी चेंज हो रही है, आगे पीछे हो रहे हैं। तो दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू कैच कि अभी कहाँ पे हैं, हो सकता है एलिफेंट से दिख जाए।
हाथियों की मौजूदगी को पता करने के लिए हमने जंगल के एक बड़े हिस्से का चक्कर लगाया। मौजूदगी तो मिली लेकिन हाथी नहीं, जगह जगह फ्रेश डंग और टूटी हुई झाड़ियाँ। उसके बाद फैसला किया कि वापस से बांके ताल का एक चक्कर लगाएंगे। बांके ताल पार करके एक तालाब में बहुत सारी हलचल दिखी। ध्यान से देखा तो पाया कि बहुत सारे ऊद बिलाव मिलकर शिकार कर रहे हैं और हमारे देखते ही देखते दर्जनों मछलियां वो चट कर गए। ऐसा नज़ारा मैंने पहली बार देखा था, इसलिए खुशी और एक्साइटमेंट में कैमरा की सेटिंग्स करना भूल गया। इनिशियली कुछ वीडियो क्लिप्स थोड़े से ब्लरी हैं, पर बाद में मुझे मौका मिल गया और मैं उनके अच्छे वीडियो क्लिप्स लेने में कामयाब रहा। So amazing sight in. We just saw a huge group of otters और fish catch कर रहे थे वो लोग। हमारे सामने ही at least 5 से 6 fishes उन्होंने catch करके खाई। So very playful group of otters और otter is also, you know, it's one of the major attractions when you come to Dudhua, which you don't find in most of the national parks. So इस type की wildlife को भी time थोड़ा दीजिए, you'll enjoy. इसके बाद कुछ और साइटिंग की आस में हम चल पड़े सलूखापुर रेंज की तरफ और उसके पीछे की नदी के इलाके में, जहां हमें हमेशा की तरह धूप सेकते हुए मगरमच्छ मिले। वापसी करते हुए हमें मिले हाथियों के पग मार्क्स और थोड़ी दूर जाते ही शुरू हुई बार्किंग डियर की एक कॉल। जंगल में अब तक के मेरे तजुर्बे से इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि बार्किंग डियर की कॉल बहुत ज़्यादा श्योर नहीं मानी जा सकती है, पर फिर भी हम वहाँ काफ़ी देर रुके रहे इस आस में कि शायद कोई टाइगर रोड क्रॉस करेगा। और तभी मेरी नज़र पड़ी भारतीय जंगलों के इन इलाकों में पाई जाने वाली एक और बेहद सुंदर और बड़ी बर्ड, यानी धनेश और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पे, वो भी एक दो नहीं पूरे 7-8 का एक झुंड। भारत में ये बर्ड्स ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती हैं और यहाँ ये बहुत रेयर हैं, इसीलिए इनको डॉक्यूमेंट करने में मैं इतना मगन हो गया कि आसपास कहीं ध्यान ही नहीं गया। अचानक हमारे ड्राइवर ने सामने रास्ते पर देखा और पाया भालू, पर मैं उसकी ये आधी अधूरी फ़ोटो लेने में ही कामयाब रहा और वो झाड़ियों में गायब हो गया। इसके बाद शुरू हुआ सिलसिला भालू के लिए वेट करने का,
और ये भांपने का कि वो किस रास्ते से निकल सकता है। काफ़ी देर घूमते रहे लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। और हम फिर से वापस बांके ताल की तरफ आ गए। सो सम अमेजिंग साइटिंग्स, जो ऑटर्स की साइटिंग हुई थी उसके बाद चलते चलते मुझे हॉर्नबिल दिख गए, ग्रेट हॉर्नबिल्स, और एक नहीं एटलीस्ट 6-7 थे एक पेड़ पे। सो गॉट सम डिसेंट शॉट्स ऑफ हॉर्नबिल। एंड जब हम ऊपर देख रहे थे किसी का ध्यान गया ही नहीं कि सामने रोड पे देयर वाज दिस स्लॉथ बियर। तो प्रमोद ने बताया कि सर सामने भालू है, बट बाय द टाइम वी रियलाइज कि हाँ सच में है, इट वेंट यू नो अंदर वो चला गया। तो अमेजिंग, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। काफ़ी देर हमने उसको ढूंढा, साइमल्टेनियसली एक कॉल चलने लगी टाइगर की हुई होगी प्रॉब्ली बिकॉज दैट वॉज बार्किंग डियर, बट कुछ बाहर निकला नहीं। तो स्टिल आधा पौन घंटा है हमारे पास, देखते हैं क्या होता है। सो राइट नाउ वी आर एट बांके ताल टावर नंबर 2 और प्रमोद और हमारे गाइड साहब चेक करके आए हैं, बट कुछ मूवमेंट मिली अभी तक तो खाली है, सॉम्बी अलर्ट है सर। ठीक है, अब अंधेरा होने लगा था और सफारी का टाइम लगभग पूरा हो चुका था, तो वापसी की शुरुआत हुई। आज की सफारी से मैं काफ़ी खुश था क्योंकि ऊद बिलाऊं की मस्ती, बहुत सारे हॉर्नबिल एक साथ देखना और झलक ही सही पर भालू की साइटिंग। मैं ये कह सकता हूँ कि सफारी हमेशा टाइगर के बारे में नहीं है। और हालांकि मैं दुधवा और तराई के बाकी जंगलों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ टाइगर देखना है उस उम्मीद में यहाँ पे मत आइए, सुंदर जंगल और बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर आइए।